स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब कि अगर हमने क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट किया है क्लोरीन विद द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH, तो हम कौन सी कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि 6 to 8% NaOH दिया और 623 केल्विन 300 एटमोस्फेरिक टेम्परेचर दिया है, डायल्यूट एक्सेल हाई कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर की भी हाई कंडीशंस लगाई हैं, तब जाके ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो पॉसिबल हुआ। अब अगर हम यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को यहाँ पर प्लेस कर दें पैरा पोजीशन पर, तो फिर क्या होगा कि नाइट्रो ग्रुप लगाने से यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजी हो जाएगा, माइल्ड कंडीशंस में सब्स्टिट्यूशन जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखो कि हम जो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो माइल्ड और भी माइल्ड कंडीशंस के अंदर सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो जा रहा है, क्लोरीन जो है OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखो टेम्परेचर भी जो है 368 केल्विन दिया है 443 केल्विन के कंपैरिजन में, और कंडीशंस जो है NaOH और HCl की माइल्ड की है। नेक्स्ट के अंदर जो लास्ट हमने पिक्रिल क्लोराइड लिया है, उसके अंदर और भी माइल्ड कंडीशंस ली हैं। इन माइल्ड कंडीशंस के अंदर सिंपल हाइड्रोलाइसिस करा है 323 केल्विन के अंदर, और ये पिक्रिक एसिड के अंदर स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गया है एट वेरी माइल्ड कंडीशन, तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो ईजी होता जा रहा है जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो ज़्यादा ही ज़्यादा उसमें अटैच करते जा रहे हो क्लोरोबेंजीन में। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर पढ़ना ये है कि अगर हम यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही नाइट्रो ग्रुप को लगाएंगे तो जो हमारी रिएक्टिविटी है वो हेलोएरीन्स की बढ़ती है, लेकिन मेटा पोजीशन पर रिएक्टिविटी नहीं बढ़ती है। तो इस रीज़न को जो है हमने आज विद एक्सप्लेनेशन और विद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाया हुआ है स्टूडेंट्स। क्लोरो नाइट्रो बेंजीन जैसे कि आप देख रहे हो स्ट्रक्चर के अंदर कि दिस इज़ द नाइट्रो ग्रुप एंड दिस इज़ क्लोरो बेंजीन, तो जब हम इसके अंदर OH नेगेटिव जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक कराएंगे तो सबसे पहले जो है रिएक्शन स्लो होगा, रिएक्शन स्लो होगा और यहाँ पर अब डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनेंगे। सबसे पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो कैसे बनेगा, तो हम सबसे पहले फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इस कार्बन एटम पर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और OH नेगेटिव जो है वो इस कार्बन एटम पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर आया नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से जो है हमारा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, Cl और OH ग्रुप यहाँ पर आ गया है स्टूडेंट्स, और इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये आ गए दो डबल बॉन्ड। उसके बाद जो है नाइट्रोजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, इस तरीके से जो है ये हमारा बना फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हम अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स वो आएगा इन दो कार्बन के बीच में, इन दो कार्बन के बीच में आएगा, और जो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जा रही है तो ये बॉन्ड यहाँ से मूव करेगा, इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो ये आया हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हमारे Cl और OH है वो स्टूडेंट्स ऐसे ही यहाँ पर बने रहेंगे, और ये आ गया है हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड इन कार्बन के बीच में, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव किया है, डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन पर मूव करेगा तो यहाँ पर इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऐसे ही जैसे था वैसे ही बना रहेगा, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास नाइट्रो ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास में बन गया है सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका। अगर हम थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर बॉन्ड का मूवमेंट करना है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर वैलेंसी नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जा रही है तो ये बॉन्ड यहाँ से मूव कर जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तो ये हमारा बना थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर रहे हैं हम, ये Cl और OH जो है स्टूडेंट्स ऐसे ही बने रहेंगे, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। अब जो बॉन्ड है वो कहाँ पर आया है हमारा, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और ये हो गया है ऑक्सीजन से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज, और दूसरे ऑक्सीजन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था,
तो ये जो है ये आ गया है डबल बॉन्ड यहाँ पर जो पहले से ही प्रेजेंट था, ये हमारा बना थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, यहाँ पर किसी भी ऑक्सीजन से निगेटिव चार्ज जो है वो वापस जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखें कि दोनों में डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब दोनों ऑक्सीजन जो है हमारे पास में कैसे बन गए हैं, दोनों ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो कहीं से भी जाके बॉन्ड की नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है, डबल बॉन्ड कोई भी बना सकता है। तो मान लीजिए कि हमने ये लिया, ये डबल बॉन्ड वापसी में आएगा और हमारा बना देगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स कैसे बनेगा, यहाँ पर Cl और OH जो है वो ऐसे ही यहाँ पर बने रहेंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा और साथ के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज वापसी में आया है यहाँ से बॉन्ड को मूव करना होगा और इस कार्बन और नाइट्रोजन के पास आना होगा, क्योंकि हमें वैलेंसी नाइट्रोजन की मेंटेन करके रखनी है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड और नाइट्रो ग्रुप जो है फिर वापसी में वैसे ही बन गया है जैसे कि पहले था हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, वही जो है यहाँ पर फिर से बन गया है। और क्योंकि इस कार्बन की अब वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये बॉन्ड को भी यहाँ से मूव करना होगा और ये बना देगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। आपको यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए एक चीज़ याद रखनी है कि हमें किसी भी एटम की वैलेंसी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर में थी, हमारी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में थी, उसको चेंज नहीं करना है। वो जो वैलेंसी है उसको मेंटेन करके रखना है, पोजीशन ऑफ एटम्स को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारे बन गए हैं यहाँ पर वो है फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद अब हम बनाएंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं फाइनली कि हमारे पास में बॉन्ड मूवमेंट होते हुए Cl और OH जो है सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसे ही रहे, डबल बॉन्ड करेक्टर जो है इन सभी एटम्स पे मूव किया और साथ में नेगेटिव चार्ज भी मूव किया है, और डबल बॉन्ड करेक्टर जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर सब जगह प्रेजेंट था। तो ये जो है आप शो करोगे डॉटेड लाइन से, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो क्या असल में सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच का एक स्ट्रक्चर जो हम मानकर चलते हैं। तो ये है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड के बाद अब क्या होगा, दिस इज़ अवर रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहाँ से Cl नेगेटिव का हो जाएगा रिमूवल, Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव होगा और ये फास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स। फास्ट स्टेप के अंदर Cl नेगेटिव रिमूव होगा और OH जो है वो केवल यहाँ पर रह जाएगा, ये बनेगा हमारे को पैरा नाइट्रो फिनोल और दिस इज़ नाइट्रो ग्रुप, बिल्कुल जैसे आपने स्टार्टिंग में बनाया था वही वापसी में आ गया है। अब यहाँ पर केवल सब्स्टिट्यूशन हुआ है स्टूडेंट, जो पहले क्लोरीन लगा हुआ था उसकी जगह यहाँ पर क्या आ गया है, OH आ गया है। तो दिस इज़ पैरा नाइट्रो फिनोल। तो अब इसमें देखने वाली बात है कि हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लेबल कौन से किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो हमें अभी सेकंड स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टार दे देना है, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बाद जो है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन के स्ट्रक्चर्स जो है हमें नेक्स्ट बनाने हैं, तो ये है हमारा यहाँ पर ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसके अंदर अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम उसी तरीके से यहाँ पर स्लो स्टेप जो है उसमें OH नेगेटिव अटैक करेगा स्लो स्टेप के अंदर, और हमारा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनकर आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी बॉन्ड का मूवमेंट करेंगे, डबल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड यहीं पर इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा और क्लोरीन जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो OH नेगेटिव उस कार्बन पर जाके अटैक कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, उसको रिप्लेस करना है क्लोरीन को। तो हमें जो अब यहाँ पर पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें ये Cl है यहाँ पर और दूसरा जो है OH अटैच हो गया है, और अब जो है यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या हुआ है,
इस कार्बन के ऊपर जहाँ पर ये गया उस पर आया नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट्स। तो ये जो है यहाँ पर आप दिखाओगे कि इस पर आ गया है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो है हमारा प्रेजेंट है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ओ पर नेगेटिव चार्ज और बाकी के जो बॉन्ड्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे। तो अब जो है हमें यहाँ पर नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि हमें ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये कैसे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और डबल बॉन्ड से ये जाएगा इसके ऊपर और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा जो बनेगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर के स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल किए थे, तो यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को नाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ स्ट्रक्चर, ठीक है, ताकि हम इन सब स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर कर सकें लास्ट में। तो ये जो आया हमारे पास फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया है, अब इसके अंदर हम इसका नेक्स्ट जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें क्या दिखाएंगे, जो कि है सिक्स्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Cl और OH जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से बने रहेंगे स्टूडेंट्स, और साथ में यहाँ पर बॉन्ड का मूवमेंट आप शो करोगे। ये आ गया है डबल बॉन्ड, कि ये बॉन्ड ऐसे मूव किया है तो ये आ गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कोई भी वापसी में जा सकता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और हमारे जो बाकी के ये दो बॉन्ड हैं वो उसी तरीके से यहाँ पर बने रहेंगे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सिक्स्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब आप अगर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करो तो यहाँ पर इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज वापसी में आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर। डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पर आके क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से आप इसको दिखाओगे, इस ये डबल बॉन्ड को यहाँ से मूव करना होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो बढ़ चुकी है। तो डबल बॉन्ड जो है मूव करेगा इस कार्बन पर, इस कार्बन पर चला जाएगा। तो ये जो बना हमारा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप शो करो अब यहाँ पे, जिसमें OH और Cl जो है इसी तरीके से बने रहेंगे। नाइट्रो ग्रुप के अंदर भी अब क्या हुआ है, सेम वही अब उसके ऊपर जैसे वो पहले था, ये तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर गया है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था ये इस कार्बन एटम पर जाएगा और कार्बन एटम पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट्स, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर इस तरीके से आ गए हमारे। ये बना है हमारा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेवन। सेवन्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी आपने इसी तरीके से उसका बॉन्ड का मूवमेंट करना है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव करेगा, इनके बीच में जाएगा और यहाँ से बॉन्ड को मूव करना होगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जा रही है इसीलिए। Cl और OH जो है इसी तरह से यहाँ पर बने रहेंगे। नाइट्रो ग्रुप जो था वो भी सेम ऐसे ही यहाँ पर बना रहेगा, ठीक है। और जो हमारे पास में बॉन्ड का मूवमेंट होगा वो होगा कैसे, ये जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया और ये बॉन्ड यहाँ पर मूव कराए तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है हमारा लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, विच इज़ एट्थ। तो एट्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ पर इसके जो थे फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन गए हैं। अब हम बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। रेजोनेंस हाइब्रिड हम शो करते हैं जिसपे हम दिखाएंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कितने एटम्स पे रोटेट किया है, ये सभी एटम्स पे नेगेटिव चार्ज रोटेट किया है। Cl और OH बॉन्ड सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर प्रेजेंट था, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनके अंदर सभी में डबल बॉन्ड करेक्टर जो है वो प्रेजेंट है,
और नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है हमारे पास ये है रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस वन ये सभी 5 to 8 जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारे स्ट्रक्चर्स जो हैं बन गए हैं। अब लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप के अंदर यहीं पर से ये Cl नेगेटिव का रिमूवल हो जाएगा और OH यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम शो करेंगे लास्ट स्टेप जिसमें Cl नेगेटिव निकलेगा। फास्ट है ये स्टेप और हमारे को यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, दिस इज़ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो ये जो बना हमारे को मिल गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप शो कर सकते हो ये सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हम बनाएंगे यहाँ पर मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन का। आप जैसे कि जान रहे हो कि हम यहाँ पर पढ़ ही इसलिए रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स को कि हमें पता चले रीजन के मेटा पोजीशन पर आने पर नाइट्रो ग्रुप में इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों नहीं कर रही है बेंजीन रिंग की टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये रीज़न जो है हम जब इसके स्ट्रक्चर्स बना लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है OH नेगेटिव के साथ सबसे पहले अटैक होगा, ये स्लो स्टेप है। इसी तरीके से यहाँ पर बॉन्ड का मूवमेंट आपको शो करना है जैसे कि आपने बाकी के स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड का मूवमेंट शो किया था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जाएगा इस तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है, और OH नेगेटिव जो है इस कार्बन एटम पर जाके अटैक कर देगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा सबसे पहला जो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन के आया है, लेकिन नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 जो है हम ऑलरेडी बना चुके हैं ऊपर। इसके बाद जो है नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हम 9th स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे जिसमें Cl और OH जो है यहाँ पर इसी तरीके से बना रहेगा और ये आ गया इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और नाइट्रो ग्रुप को आप ऐसे ही दिखाओगे क्योंकि अभी तक यहाँ पर चार्ज का मूवमेंट नहीं गया है। तो ये नाइट्रो ग्रुप है और दो बॉन्ड जो है वो ऐसे ही रहेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला 9th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बन गया है स्टूडेंट्स। अब 9th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन और कार्बन के बीच में आया तो इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई स्टूडेंट्स, तो इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव करना होगा। ये है यहाँ का ट्विस्टिंग पॉइंट कि जो बॉन्ड था हमारा वो यहाँ पर चला गया है। तो अभी हम बहुत ही जल्दी इसको डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये सबसे पहले जो है आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करें कि क्या बना है हमारे पास में Cl और OH और साथ में ये आया डबल बॉन्ड और नाइट्रो ग्रुप स्टूडेंट्स उसी तरीके से रहेगा जैसा था, ठीक है। और इस कार्बन पर आ गया अब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर आ गया है। अब नेक्स्ट ये हमारा 10th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाके इन कार्बन एटम्स के बीच में आ जाएगा स्टूडेंट्स, और डबल बॉन्ड तो हमारा पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक है। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट्स उसके अंदर हमें क्या ड्रॉ करना है कि हम यहाँ पर Cl और OH को इसी तरीके से दिखाएंगे जैसे कि ये प्रेजेंट थे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था, नाइट्रो ग्रुप इसी तरीके से था वैसे ही आप शो करोगे। ये लोन पेयर जो है यहाँ पर लोन पेयर ये नेगेटिव चार्ज इसको इसमें मूव कर गया है और यहाँ बॉन्ड जो है ये इस कार्बन एटम पर। तो अब यहाँ पर अगर हम ये देखें हमारे पास में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बन गए हैं। ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं फाइनली हमें अब क्या देंगे, एक रेजोनेंस हाइब्रिड देंगे। तो आपने यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बना लिए हैं स्टूडेंट्स और अब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे जिसमें हम शो कर रहे हैं कि इन सभी कार्बन एटम्स पर डबल बॉन्ड करेक्टर के साथ में नेगेटिव चार्ज आया है लेकिन नाइट्रो ग्रुप पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं आया ना ही नेगेटिव चार्ज किसी पर आया है, ठीक है। बॉन्ड का मूवमेंट नाइट्रो ग्रुप पे यहाँ पर नहीं हुआ है अगर बेटा पोजीशन पर अटैचमेंट है तो। और उसके बाद जो है फाइनली हमारे पास में लास्ट स्टेप के अंदर फास्ट स्टेप होगा जो कि जिसमें OH ग्रुप जो है
आ जाएगा बेंजीन के ऊपर, क्लोरीन जो है निकल जाएगा। फास्ट स्टेप के अंदर सीएल नेगेटिव का रिमूवल होगा स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास आ गया फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ मेटा नाइट्रोफिनोल। तो मेटा नाइट्रोफिनोल जो है आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ये आ गया है हमारे पास में मेटा नाइट्रोफिनोल। तो ये अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को अब आपस में रिलेट करें, फर्स्ट से लेके 11 स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट्स हमें आपस में रिलेट, हमने जब इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो हमें क्या पता चल रहा है कि सेकेंड स्ट्रक्चर फिफ्थ स्ट्रक्चर के अंदर जिस कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है उस कार्बन पर नेगेटिव चार्जेस आए हैं, और ये जो कार्बन आइंस जो बने हैं अब वो स्टेबलाइज हो गए हैं नाइट्रो ग्रुप से भी, और साथ के साथ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है बेंजीन रिंग पर उससे भी। लेकिन अगर हम मेटा के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि 9, 10, 11 किसी भी कार्बन एटम पर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड का मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन कार्बन एटम जिस पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं आया है। तो ये कार्बेनाइन जो है नाइट्रो ग्रुप से स्टेबल नहीं हो रहा है अगर मेटा पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो है इसका मेन रीज़न है कि नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है तो उसके अंदर सेकेंड और फिफ्थ स्ट्रक्चर जो है इनको स्टेबल कर रहे हैं, ना केवल बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन से बल्कि कार्बेनाइन जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है नाइट्रो ग्रुप से भी, क्योंकि ये नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस तरीके से आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्टेप वाइज हमने जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टडी की है। आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत हेल्प होगा और पसंद आएगा ये वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू द वीडियो एंड शेयर द वीडियोस विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।